आज एक आम नौजवान ये काली टी शर्ट पहनकर खुद को ताकतवर, बासलायत, बाख्तियार और महफूज समझता इस गले सड़े निजाम से लड़ता। एक आम नौजवान को खास बनाना मकसद था और इसीलिए फिक्सिट कायम की और आज दिन तक जदोजहद जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आम तबके के नौजवान यानी आपसे मुखातिब हूँ जो चाहते हैं कि सिस्टम इनको कीड़ा मकोड़ा ना समझे, सरकारी महकमों में आम आदमी की इज्जत हो, इनको तहफ्फुज़ और इंसाफ मिले और इसीलिए फिक्सिट बनाई गई थी। आम तबके के नौजवानों को जमा किया, हम आवाज हुए मुख्तलिफ आम आदमी के मसाइल पर, पुलिस गर्दी के खिलाफ आवाज उठाई, डेली इनकी वीडियोज बनाकर एक्सपोज किया जाता, पुलिस वाले को बताया जाता है कि आप भी कानून के नीचे हैं, कानून से बालादस्त नहीं, क्योंकि आम आदमी से डेली रिश्वत ली जाती, पत्ता लिया जाता, इनको तंग किया जाता। सफाई के लिए हम निकले, आवाज उठाई, सीएम हाउस के बाहर कचरा फेंका, बताया कि आम आदमी इस तकलीफ से गुजरता, वीआईपी को भी एहसास हो इसका, और सरकारी महकमों में सरकारी मुलाजमों को बताया कि आप नौकर हैं अवाम के टैक्स से आपकी तनख्वाह आती, आप मुलाजिम हैं, इनके मुलाजिम जैसा रवैया रखें इनसे, और दीगर मुख्तलिफ कैंपेन चलाई, जदोजहद की, हमारे नौजवान जेल गए, कोर्ट्स के धक्के खाए आपके लिए। आज भी हम अपने दरमियान आपकी आवाज तलाश करते, हम जब भी निकलते आपको साथ पाना चाहते, सोशल मीडिया पर सिर्फ थम्स अप करके आप समझते कि शहर बेहतर हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, हम आवाज होना पड़ेगा, और इसी सिलसिले में फिक्सिट ने आने वाले इतवार 17 जनवरी शाम 5 बजे मेन अबुल हसन असवानी रोड के करीब एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हम आम तबके के नौजवानों को जमा करेंगे और इन माफिया से जिनसे फिक्सिट रोजाना लड़ती, इनको पैगाम देंगे कि हम कमजोर नहीं है, हम अकेले नहीं है, और बताएंगे कि अगर ये हाथ खुला हो तो ये हाथ है, लेकिन अगर ये बंद होता तो ये मुट्ठी बन जाता। हमें आपकी जरूरत है कि हम एक मुट्ठी की शक्ल में इन माफियाज का मुकाबला कर सकें।